लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होने के बाद 8 अप्रैल तक अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 4 जून को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। इसी को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवलेश्वर चौधरी और एसएसपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र में 23,30,778 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें से पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 36,803 है। मतदान के लिए कुल 2,234 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सहायक मतदान केंद्र की संख्या 10 तथा चलंत मतदान केंद्र की कुल संख्या 12 है। स्वच्छ और भयमुक्त मतदान के लिए कुल क्षेत्र को 262 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 38 नाका और 41 फ्लाइंग स्क्वाड भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक्टिव रहेंगे। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि आज अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार से आज से लेकर के 4 अप्रैल तक नाम निर्देशन लोकसभा चुनाव में भागलपुर 26 लोकसभा चुनाव के लिए किया जा सकता है। संवीक्षा की तिथि 5 अप्रैल शुक्रवार को है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल सोमवार को है। मतदान की तिथि 26 अप्रैल शुक्रवार को है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा गया है एवं मतगणना की तिथि 4 जून मंगलवार को है एवं निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि 6 जून गुरुवार को रखा गया है। इस 26 भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव द्वितीय चरण में रखा गया है और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस जिला में कुल मतदान केंद्र की संख्या 2,234 है, जिसमें कि 157 सुल्तानगंज बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 के अंतर्गत आता है और शेष 6 विधानसभा इस 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ 2,234 में से सहायक मतदान केंद्र की कुल संख्या 10 है। सहायक मतदान केंद्र उन स्थानों पर बनाया गया है जहाँ 1,550 से अधिक वोटर हैं और जहाँ लोगों की भीड़ होने के कारण उन्हें असुविधा नहीं, इसको लेकर के बनाया गया है। तो हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा था और अप्रूव्ड है। चलंत मतदान केंद्र की कुल संख्या हमारे यहाँ 12 है और हम लोगों ने 6 ऐसी जगहों पे जो विभिन्न जगहों से शिकायतें आई थी, एक तो प्राइवेट बिल्डिंग में था उनको हमने चेंज कराया है, दूसरा नदी के कटाव के कारण से हमारी बिल्डिंग कट गई थी तो बगल में हमने रखा है, ऐसे 6 मतदान केंद्र में और कुछ जगहों पे जहां नई बिल्डिंग बन गई है उस नई बिल्डिंग में भी हम लोगों ने शिफ्ट किया है, तो यहाँ माननीय निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तो 6 जगह ऐसे हैं जिसको हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी अभी कराएंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 28 मार्च को कुल 23,30,678 है, जिसमें कि पुरुष मतदाता 12,07,575 एवं महिला मतदाता 11,22,971 और एक बड़ी खुशी की बात है कि आपका जेंडर रेशियो जो 888 था वहाँ से जेंडर रेशियो हम 930 पे पहुँच गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महिला मतदाताओं ने से हम लोगों ने जो उनका फॉर्म लेकर के उनको इनरोल करा करके और उनको वोटर बनाने का हमारी टीम ने कार्य किया है। और आपको बता दें कि 42 अंक से इस भागलपुर जिले में जेंडर रेशियो इलेक्टोरल रोल में सुधार हुआ है, यह अद्वितीय है। अभी तक किसी जिले में एक बार में इतने अल्प अवधि में नहीं हुआ है। इसके लिए मैं अपने समस्त अधिकारियों को, समस्त बीएलओ को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आम जनता से, आम वोटर को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने एक आह्वान पे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने का प्रयास किया है। आपका इलेक्टोरल जो ईपी रेशियो है वो 61 हो गया है, जो बहुत अच्छा है, हमारे एवरेज से ज़्यादा बढ़िया, बिहार के एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। अभी जो जो यंग वोटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, खास करके एक वर्ष 18 से 19 वर्ष के बीच में जो वोटर्स की संख्या 36,803 है। और इसी प्रकार से इस बार इलेक्टोरल रोल में जो 85 प्लस के जो वोटर्स हैं वो 19,986 हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं 19,823 हैं
और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए ये सुविधा दी गई है कि वो एक एप्लीकेशन है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जा कर के भी अपने आप को पीडब्ल्यूडी के रूप में मार्क कर सकते हैं। सभी जगहों पे और बूथ पे सुविधाओं के लिए, साथ ही विधि व्यवस्था पे नियंत्रण रखने के लिए हम लोगों ने कुल 262 सेक्टर्स में उसको बांटा है, जहाँ की सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी जा कर के लोगों से बात कर रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्ति वोट डालने में परेशान करते हैं या कोई व्यक्ति रोकते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जो बूथ पे चुनाव के दिन विध्वंस मचा सकते हैं, तो हम लोग विभिन्न सोर्स से भी इसका आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं और हम लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। SST जो नाका हम लोग लगाते हैं, कुल नाका हम लोग 38 जगहों पे लगाएंगे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। और हमारा FST है फ्लाइंग स्क्वाड, जैसे कहीं से कोई कंप्लेन आया तो हमारी टीम जो तुरंत रश करेगी, जहां हमारा नाका नहीं है तो ये मोबाइल टीम रहेगी, वो कुल 41 जगहों पे रहेगा। सी विजिल एक एप्लीकेशन है जिसमें कि कहीं कोई ऐसी बात चल रही है और निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उससे इतर चल रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कोर्ट का वायोलेशन हो रहा है, तो उसके लिए सी विजिल से व्यक्ति वहाँ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो जियो लोकेशन भी लेता है तो हमारी टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच करके 100 मिनट्स के अंदर पहुँच कर उसको दुरुस्त कराती है। लेकिन ये एक आग्रह मैं करूँगा कि कभी भी गलत अपलोड नहीं करें, क्योंकि सारा डेटाबेस हमारे पास रहता है तो उसमें फिर असुविधा होगी, और हम लोगों को यदि कोई ऐसा तत्व है जो गलत करने का प्रयास करता है तो हम लोग उनको अलग स्तर से देखेंगे। जिला स्तर पर निर्वाचन से संबंधित अलग अलग कार्य के लिए पर्यवेक्षण हेतु कोषांग गठित है, आज भी मैंने उसकी समीक्षा किया है और 3 दिन पहले भी समीक्षा किया है। नाम निर्देशन कोषांग भी गठित है, जो जिला पदाधिकारी के जो कोर्ट रूम है वहीं पे नाम निर्देशन होगा, और उसके बाहर हम लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि किन्हीं को कोई असुविधा नहीं हो। नाम निर्देशन कोषांग के बाहर अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए हम लोग डेस्क भी रखेंगे। अभी पूरे ज़िले में 144 धारा लागू है, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि कहीं मूव कर रहे हैं तो वो इसका ख्याल रखेंगे, वो एक साथ मूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ भी नाम निर्देशन में भी एक निश्चित संख्या में ही लोगों को यहाँ आना है, वाहनों का काफिला सारा बाहर रहेगा और वाहनों का काफिला पे भी रोक लगी हुई है कि एक बार में यदि कोई वाहनों का काफिला लेकर चलना चाहते हैं एक साथ में अधिकतम 10 ही गाड़ी का काफिला चल सकता है, फिर 100 मीटर का गैप होगा, फिर 5 गाड़ी, फिर इस तरीके से उनको पालन करना पड़ेगा। हमारे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण है, वो भी 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो पहला चरण होगा प्रशिक्षण का, फिर दूसरा चरण भी हम लोग 13 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद समस्त चीज़ों के बारे में बताया कि मुख्य रूप से जो चुनाव को फ्री और फेयर इलेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके विषय में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पिछले 2 माह से चल रही है, और चुनाव की जो अधिसूचना, जो चुनाव का की तिथियां जब अनाउंस हुई थी तब से लेके आज तक कुल 9 अवैध हथियारों की जब्ती हुई है और 90 कारतूस की बरामदगी हुई है, और पिछले माह भी लगभग 50 के करीब अवैध हथियारों की बरामदगी हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद अर्थात 16 मार्च के बाद पिछले 12 दिनों में भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 2300 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और 97 कारोबारियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 243 वारंटों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है, और इसके साथ ही साथ जो चुनाव को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है कैश, तो 3,69,000 रुपये की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है, और 1,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन पिछले 12 दिनों में कराया गया है, और 1 किलो 180 ग्राम गाजा और 10 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। 256 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पिछले 12 दिनों में सुनिश्चित की गई है, जिसमें कि 41 जो मुख्य शीर्ष है हत्या लूट डकैती इत्यादि शीर्षों में बड़ी गिरफ्तारी 41 लोगों की सुनिश्चित की गई है, और इसमें 1 टॉप 10 जो सनीचर मंडल है औद्योगिक थाना परिक्षेत्र का वांछित था उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, और हम लोग इस बात के लिए तत्पर हैं जो चुनाव हो पूरी तरीके से पारदर्शी हो और कोई भी किसी को रोके नहीं टोके नहीं, सभी लोग अपने भयमुक्त वातावरण में जाके बूथ पर अपना मतदान करें।
मिशन मुस्कान के तहत आज एसएसपी आनंद कुमार ने 30 लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाया। एसएसपी ने लोगों को बुलाकर अपने चैम्बर में मोबाइल वापस किए। उन्होंने बताया कि मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा लगभग 5.5 लाख रुपए के खोए हुए 30 मोबाइल वापस किए गए हैं। खोए मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए। यही मिशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य है। संदीप कुमार सिंह, संजीव कुमार, अफसर खान, मनीष कुमार, सागर तांती, नारायण पोद्दार, अजीत सूरज, इमरान अंसारी, अजय कुमार, विश्वजीत कुमार, विवेकानंद, अनमोल जमानुल, नंदलाल, नंदनी देवी के अलावे कई लोगों को अपने खोए मोबाइल मिलने के बाद खुश देखा गया। अभी करीब 30 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया है अलग अलग स्थलों से, जिसके खोने की सूचना उसके जो धारक है उन्होंने अपने जो लोकल थाना थे उसको उपलब्ध कराई थी, और हमारी जो टीम है मोबाइल रिकवरी टीम लगातार मोबाइल को खोजने में और उसको उसके जो वास्तविक धारक हैं उसको देने में लगी हुई है, और इसी क्रम में आज 30 मोबाइल की बरामदगी हुई है और उनको जो उसके वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया गया है, और इसकी लगभग जो कीमत है 5.5 लाख रुपए की है। और इस प्रकार जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोगों ने अभी तक 359 मोबाइल को खोज के और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया है। लगभग 50 लाख रुपए का मोबाइल हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसके वास्तविक धारकों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि जो जिनका मोबाइल खोया है उसके चेहरे पर हम लोग मुस्कान लाने में कामयाब रहे हैं। और यह जो ऑपरेशन मुस्कान का जो ऑपरेशन है ये लगातार चलता रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संख्या में मोबाइल जो खोया हुआ है या छीना हुआ है या चोरी किया गया हो उसको रिकवर करके और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध करा सकें। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नरेश्वर चौधरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ नामांकन प्रक्रिया व चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए समाहरणालय के समीक्षा भवन में बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं आज से भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका में नामांकन भी प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। अभी की बैठक सभी कोषांग जो खास करके निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं उनके सभी पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ थी, और आप जान रहे हैं कि आज से नोटिफिकेशन भी हो गया है, आज से नॉमिनेशन भी शुरू है जो अभी 4 अप्रैल तक चलेगा। तो इसके बाबत जितनी तैयारियां थी उसकी विधत रूप से समीक्षा की गई है, और हम लोग जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनके दिशा निर्देशों अनुसार हम लोग की तैयारी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, आज से नॉमिनेशन शुरू है जो 4 तक चलेगा अवकाश के दिनों को छोड़ करके, और इसका नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पे आज चिपका दिया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार गश्ती कर रही है, साथ ही छापेमारी और रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसी बाबत पुलिस ने झपटमार दो मोबाइल चोर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साक्षक थाने से लोकेश कुमार को 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद मोहम्मद महफूज अली को भी पुलिस ने मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया, यानी कुल 13 मोबाइल पुलिस ने जब्त किया। जानकारी भागलपुर के SSP आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस को जो मोबाइल छिनतई का जो ग्रुप है उस मामले में भी मिली है, और एक अपराधी की गिरफ्तारी साक्षक थाना के द्वारा की गई है। उसका नाम लोकेश कुमार है और उसके पास से 4 छीना हुआ मोबाइल जो ललमटिया बरारी इसाकचक थानों से छीना हुआ था वो बरामद हुआ है, और उसी के पूछताछ के आधार पर एक अन्य गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम मोहम्मद महफूज अली है, और उसके पास से भी 9 चोरी या छीना हुआ मोबाइल की बरामदगी हुई है। इस प्रकार करीब 13 मोबाइल जिसकी जो चोरी किया गया है अथवा छीना गया था उसकी भी बरामदगी अलग से, जो 30 मोबाइल की बात हमने की है उससे अलग 13 मोबाइल की बरामदगी की है। और ये जो अभियान है भागलपुर पुलिस का आगे भी जारी रहेगा और अपराध और अपराधियों के खिलाफ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है। वहीं जिलाधिकारी ने शहरवासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। इस बाबत भागलपुर में मतदान करने वालों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो इसको लेकर नगर निगम भागलपुर द्वारा स्वीप के अंतर्गत आज जयप्रकाश उद्यान सैंडिस कंपाउंड मैदान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अपने वोट के अधिकार के बारे में बताया गया और आगामी चुनाव में मतदान कर अपनी भागीदारी देने की बात कही गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, DDC, SDM के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी हम लोगों को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं तो उन्हें जागरूक करने का काम हम लोगों का है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को वोट डालना है, साथ ही उन्हें दूसरे को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त के अलावे दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जितने भी स्वच्छता कर्मी यहाँ उपस्थित हैं इन सभी के कारण से हम स्वस्थ हैं और स्वच्छ हैं। तो मैंने इन सभी को ये जिम्मा दिया है कि आप तो अपना वोट डालेंगे ही, साथ ही जिन मोहल्लों में सफाई करते हैं उनके, जिन घरों में सफाई करते हैं, जिन घरों के पूरे कचरे को साथ ही उनके गंदगी को हम साफ़ करते हैं उन घरों को भी हम जागरूक करें कि वोट डालें। और मैं समझता हूँ जब हमारा सबसे निचला तबका जो दिन ब दिन और रूबरू लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं ये जब लोगों के को जागरूक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो इलिट हैं, जो हाईली एजुकेटेड हैं उन्हें भी एहसास होगा कि हमें वोट करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि लोगों में कितनी ऊर्जा भरी हुई है और लोगों ने संकल्प लिया है कि हम वोट करेंगे, और हमने इस बार अपने वोटिंग का लक्ष्य 85% रखा है। और निश्चित रूप से सभी लोग शहर में रहते हैं वो लोग एक बार जस्ट उस दिन घर से निकलने की ज़रूरत है, बूथ जो है उनके पास में ही है और जस्ट उन्हें जागरूकता की ज़रूरत है, जागरूक हो जाएं कि हमें वोट करना है, उनकी वोट की ताकत है और वो लोग वोट करें तो मुझे विश्वास है कि इस 85% का आंकड़ा निश्चित रूप से छू पाएंगे हम लोग और यहाँ का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बिल्कुल ऐसे मैं सभी स्वच्छता कर्मियों को मैं सम्मानित करूंगा जिनके यहाँ का वोटिंग प्रतिशत जो मेरा टारगेट है वहाँ तक पहुँचता है, तो मैं उनको अलग से सम्मानित करूंगा। वहाँ जितने भी स्वच्छता कर्मी हमारे लगे हुए हैं सभी को, साथ ही उस वार्ड के जो उस वार्ड को भी मैं अलग से सम्मानित करूँगा। जब हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब ओवर होगा तो हम उस वार्ड को भी अलग से सम्मानित करेंगे, उस वार्ड को हम धन्यवाद देंगे कि उस वार्ड ने इतना अचीव किया और इस लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी ताकत का, अपने वोट की ताकत का एहसास किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा 31 मार्च से 7 अप्रैल तक स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर, हेल्दी बेबी शो, कैंसर डिटेक्शन कैंप, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, अर्बन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, वॉक फॉर हेल्थ और अंतिम दिन IMA हॉल में संध्या 7 बजे से वर्ल्ड हेल्थ डे प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। IMA हॉल भागलपुर में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण व कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। IMA के तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि हेल्थ वीक सप्ताह जो होता है एक सप्ताह का कार्यक्रम वर्ल्ड हेल्थ डे के अराउंड हर साल सिर्फ और सिर्फ भागलपुर में मनाया जाता है, पूरे देश में बाकी जगह वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं
लेकिन हम लोग पूरे 7 दिन का कार्यक्रम करते हैं और वो 7ों दिन पब्लिक यूटिलिटी का कार्यक्रम होता है। ऐसे तो आई में आजकल हर महीने पब्लिक के लिए काम करती है, लेकिन यह सप्ताह सघन कार्यक्रम होता है। और साथ ही जो अभी जो स्लोगन है मेरा, हेल्थ माई हेल्थ माई राइट, तो मैं बता दूं इस तरफ देश बढ़ रहा है आगे, और जिस तरह से आप देख रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत लोगों को सुविधा पहुंचाया जा रहा है, गरीब लोगों को बीपीएल के माध्यम से, बीपीएल कार्डधारी को, और उनको 5 लाख तक का सहायता दिया जा रहा है चिकित्सा में। और अभी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी इसी तरह का योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाया जा रहा है। जैसे इस बार का स्लोगन है माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट का ये मतलब हुआ जो कि हम लोग जितने भी हैं पर्सनल, हर एक जो हम लोग इंसान हैं, सबका एक राइट है कि हम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, हर चीज़ में सेफ एयर बिना पॉल्यूशन का, ये सबका राइट है कि वो किस तरह से हम लोग अच्छी ज़िंदगी जिए, यही हम लोगों का अधिकार बताता है। यही इस बार का स्लोगन है। उसी के तहत हम लोग 7 दिन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें सर ने बताया कि पहला दिन हम लोग अलियाबाद में कर रहे हैं 9 से 12 रूरल हेल्थ कैंप। हर साल की तरह एक हम लोग कोई ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप करते हैं, जो कि बहुत बड़ी कैंप होती है। उसमें शहर के सभी आईएमए के मेंबर और जितने भी प्रसिद्ध चिकित्सक वहाँ पर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, और जितने भी वहाँ ग्रामीण वासी हैं सभी विभाग के चिकित्सक के द्वारा उनका जो हम लोग जाँच करते हैं, जाँच के उपरांत हम लोग मुफ्त में दवाई देते हैं।